बॉल टेम्परिंग विवाद में ऑस्ट्रेलिया के तत्कालीन कप्तान स्टीव स्मिथ को राष्ट्रीय टीम की कप्तानी और उनके साथ ही खिलाड़ी डेविड वार्नर को उपकप्तान के पद से हाथ धोना पड़ा है। इससे पहले ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया CA से कहा था कि स्टीव स्मिथ को टीम की कप्तानी से हटा दिया जाए। बता दें कि केप टाउन में साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीसरे टेस्ट के तीसरे दिन ही ऑस्ट्रेलियाई ओपनर कैमरन बेनक्रॉफ्ट बॉल टेम्परिंग करते हुए पकड़े गए। बेनक्रॉफ्ट को मैच के दौरान अपने ट्राउजर से पीले रंग की चीज निकालते देखा गया। इस घटना के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऑस्ट्रेलिया के कप्तान स्टीव स्मिथ ने बॉल टेम्परिंग की बात मानी है। एक तरफ क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया बॉल टेम्परिंग के इस मामले की पूरी जांच करेगा, जबकि दूसरी तरफ इस घटना के कुछ ही घंटे बाद ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने CA से स्टीव स्मिथ को कप्तानी से हटाने के लिए कहा है। क्रिकइंफो की रिपोर्ट के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री मैल्कम टर्नबुल ने भी इस घटना को चौंकाने वाला और निराशाजनक कहा है। टर्नबुल ने कहा, हम सभी सुबह सुबह दक्षिण अफ्रीका की खबरों से निराश हुए। यह पूरी तरह से विश्वास से बुरे लग रहा था कि ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम धोखाधड़ी में शामिल थी। इससे पहले बेनक्रॉफ्ट ने कहा, मैं गलत समय पर गलत जगह पर खड़ा था। मैं यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में आना चाहता था क्योंकि मैं अपने कृत्य के लिए जवाबदेह होना चाहता हूँ। स्मिथ ने कहा कि उन्होंने बेनक्रॉफ्ट के इस बारे में बात की थी, जेब में टेप लेकर जाने के बारे में, और टीम में बड़े लोग और अधिकारी इस बारे में हमेशा से जानते थे। उन्होंने कहा, हमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि हमें ऐसा लगता था कि हम इस तरह से दक्षिण अफ्रीका के ऊपर बढ़त हासिल कर लेंगे। हमें अपने कृत्य पर बहुत खेद है। उन्होंने कहा कि वे कप्तान पद से इस्तीफा नहीं देंगे। गौरतलब है कि अंपायर निजे लांग और रिचर्ड इलिंगवर्थ ने दक्षिण अफ्रीका की दूसरी पारी के 43वें ओवर के दौरान बेनक्रॉफ्ट से बात की। कवर पर फील्डिंग करते समय उनके हाथ में कोई चीज देखी गई, जिसके बाद अंपायरों ने उनसे बात की। अंपायरों के पास जाने से पहले बेनक्रॉफ्ट को अपने अंतवस्त्र में छोटी सी पीली चीज रखते हुए देखा गया। जब अंपायर उनसे बात करने के लिए पहुंचे तो उन्होंने पैंट की जेब में हाथ डालकर दिखाया और ये भिन्न वस्तु थे। वह धूप के चश्मे को साफ करने के लिए मुलायम कपड़े जैसा लग रहा था। बेनक्रॉफ्ट ने हालांकि बाद में संवाददाता सम्मेलन में स्वीकार किया कि वे टेप से गेंद की शक्ल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि अंपायरों ने इस बारे में उनसे बातचीत की, लेकिन फिलहाल इस बारे में ज्यादा जानकारी बाहर नहीं आई है।